So, today we will start with regulation of gene expression. बट जीन्स बहुत सारी होती है. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस देयर आर अबाउट 25,000 जीन्स, बट ऑल द जीन्स डू नॉट फंक्शन एट द सेम टाइम. अगर हम कहें कि हम जो है लेट अस से कि पेप्सिन हमेशा सिक्रीट हो रहा है, नहीं, जब हम स्पेसिफिक खाना खाते हैं तो पेप्सिन तब सिक्रीट होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही सिक्रीट हुए जा रहा है, कोई और एंजाइम्स. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की जीन्स होती है. पहली बात तो वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, जिनको हम और क्या बोल देते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स. देन सेकेंड इज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. ऑल्सो कॉल्ड एज लग्जरी जीन्स. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का क्या मतलब है? विच रिमेन फंक्शनल ऑल द टाइम. वो स्विच ऑन या ऑफ नहीं होती है, ये हमेशा ही फंक्शनल रहती है. फॉर एग्जाम्पल द जीन्स सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि अगर किसी सेल में चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो डेड सेल है. ठीक है, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं तो एनारोबिक हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ग्लाइकोलाइसिस होगी होगी, एरोबिक है तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगी. इज इट राइट? तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होती रहती है. उसके जो एंजाइम्स है वो हमेशा चाहिए है. सो दे द जीन्स विच फॉर्म द एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. दीज रिमेन फंक्शनल ऑल द टाइम. जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, लग्जरी जीन्स, जीन्स विच कैन बी स्विच ऑन और ऑफ, विच कैन बी स्विच ऑन और विच कैन बी स्विच ऑफ, और हम कह सकते हैं द जीन्स विच मे बी फंक्शनल या विच गेट फंक्शनल ओनली when its protein is required. For example, the gene forming enzyme lactase is functional only when we drink milk or eat milk products. क्योंकि लैक्टोज किसमें है?
लैक्टोज है मिल्क में, मिल्क शुगर है लैक्टोज, मिल्क से बनी चीजें या मिल्क लेंगे तभी लैक्टेज एक्टिव होगा, नहीं तो क्यों सिक्रीट होगा जब उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो दीज जीन्स कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ जीन्स, आर रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। तो तीन चीजें हैं जो जीन्स की रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, एक मेटाबॉलिज्म, एक फिजियोलॉजी और तीसरा है एनवायरनमेंट। इन यूकेरियोट्स, ईके मतलब यूकेरियोट्स, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर एट फोर लेवल्स, चार लेवल्स पे रेगुलेशन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। कौन से है? दैट इज फर्स्ट है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि ट्रांसक्रिप्शन हुई कि ना हुई, होगी या नहीं होगी, और लेट अस से हो गई बट प्रोटीन नहीं चाहिए, तो एट प्रोसेसिंग लेवल। क्या चीज प्रोसेस होनी है, क्या एमआरएनए बनना है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एंड फोर्थ है एट ट्रांसलेशन लेवल। कई जगह जो है रेगुलेशन होनी है, या तो जीन ट्रांसक्राइब ही नहीं करेगी, अगर कर लिया तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आगे आरएनए फंक्शनल नहीं है। प्रोसेसिंग भी हो गई बट आरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा साइटोप्लाज्म में, चलो वो भी हो गया बट आगे उसने प्रोटीन नहीं बनाया, ठीक है। तो ये चार लेवल्स पे अगर वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं चाहिए तो इनमें से कोई सा भी जो स्टेप है वो इनहिबिट हो सकता है, ठीक है। लेट अस से आरएनए बन गया बट अभी जरूरत नहीं है, तो आरएनए कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बट कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाए, राइट। तो इस तरह से किसी भी लेवल पे जो है वो इनहिबिशन हो सकती है या रेगुलेशन हो सकती है। Whereas, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रही हूं, इन प्रोकैरियोट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स only at
initiation of transcription. अगर एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई तो ट्रांसलेशन होगी ही होगी, क्योंकि यू नो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपको ये पता है द टू आर कपल्ड. ट्रांसक्रिप्शन अभी आरएनए पूरा नहीं बनता है, साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो सकती है, क्योंकि आप कहोगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में हो रही है, ये दो चीजें नहीं हो रही, पर ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये दो प्रोसेसेस में तो रेगुलेशन हो सकती है, बट नहीं, क्योंकि एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी पूरा आरएनए बनने का वेट नहीं होता है, साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है. तो इनिशिएशन, वहां पे रेगुलेशन सिर्फ एक स्टेप पे है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इज इट ओके? उसके बाद दिस रेगुलेशन क्यों चाहिए है या क्या फायदा है? This regulation of gene expression is the main factor for differentiation of embryo into adult organism. Adult का मतलब बड़ा नहीं, मतलब पूरा organism बन गया. For यहाँ पे हम लिख सकते हैं for development and differentiation. ठीक है, तो differential activity होती है genes की, या differential regulation होता है genes का, तभी से एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है कि यहाँ पे लिम्ब्स बन जाए, यहाँ पे लिवर बन जाए, यहाँ पे लंग्स बन जाए, यहाँ पे आईज बन जाए. ठीक है, तो दैट इज डिफरेंशियल. क्योंकि देखो हर सेल में, लेट अस से ह्यूमंस के पास एक जीनोम में है तो दो जीनोम्स, बट एक जीनोम में 25,000 जीन्स है लेट अस से. ठीक है, बट हर सेल में 25,000 एक्सेप्ट गैमेट्स को छोड़ के, हर सेल में 25,000 जीन्स है, इवन इन गैमेट्स आल्सो. ठीक है, बट कोई सेल आई सेल बना रहा है, कोई स्किन सेल बना रहा है, कोई हेयर सेल बना रहा है, कोई किडनी सेल बना रहा है, कोई लिवर सेल बना रहा है. व्हाई? ड्यू टू डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. ठीक है, किसी जीन में, सभी में, हर सेल में 25,000 जो जीन्स हमने फाइंड आउट की है वो सारी की सारी फंक्शनल नहीं होती है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है. कुछ जीन्स इस सेल में फंक्शनल है, कुछ यहाँ पे फंक्शनल है, कुछ यहाँ पे है, और हर टाइम सारी जीन्स फंक्शनल नहीं है. लेट अस से लिवर सेल है, उसमें 10 जीन्स फंक्शनल, लेट अस से, ऐसे तो बहुत सारी होती है, बट लेट अस से सपोज 10 जीन्स आर फंक्शनल इन द लिवर सेल. ठीक है, बट ऑल द 10 जीन्स जब लिवर बन रहा है तो 10 जीन्स उसमें फंक्शनल हो सकते, बट 10 की 10 एक टाइम पे फंक्शनल नहीं होगी. किसी टाइम पे कोई 5 फंक्शनल होगी, किसी टाइम पे 2, किसी में 1, किसी टाइम 10 की 10 हो सकती. Right? So this is the differential expression of the genes which helps in differentiation of different organs, different tissues in an organism. Is it okay? पहले ये लिखो, फिर हम और आगे लिखते हैं कि कैसे कैसे regulation होती है, ये हम थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, इसी के साथ next point में लिख लेना, during embryonic development. मैम एक चीज पूछनी थी. बोलो बेटा. मैम डेवलपमेंट एंड के बाद आपने एंड लिखा है ना? डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है मैम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट इज ड्यू टू differential expression of genes. Differential मतलब अलग अलग genes in different cells. due to which
सिमिलर सेल्स, क्योंकि मोरूला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, सारे सेल्स सिमिलर है, ड्यू टू विच डिफरेंट सिमिलर सेल्स gets differentiated into different organs, into different tissues and organs. ठीक है जी. Further, in the adult organism, all the functional genes of a cell, of a specific cell, all the functional genes, मतलब जो active genes हम कहते, all the active genes लिख लो, all the active genes of a cell do not function all the time. Full stop करके, they form proteins only when these proteins are required. ठीक है जी. अब आ जाते हैं बेटा, हमने मेनली डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा अभी जेनेटिक्स आपने जैसे शुरू की है, तो प्लस टू लेवल तक जनरली जो है इट इज अप टू प्रोकैरियोट लेवल, है ना. यूकैरियोट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम यूकैरियोट्स का ज्यादा नहीं पढ़ते. तो अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट, ये मैंने अभी लिखवाया है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आपने पूरा लिखना है. सेकेंड पॉइंट, देयर इज ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है जी. और तीसरा आ जाता है बेटा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रोमोटर रीजन. हम इसको बेटा मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द जीन्स में प्रोमोटर रीजन क्या है, टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स मतलब थायमिन एंड एडेनिन का पॉलीमर है टाटा बॉक्स, और इसको डिस्कवर किया था प्रिबनो ने. प्रिबनो बॉक्स, टाटा बॉक्स बेस्ड ऑन द यू नो सीक्वेंस ऑफ बेसिस, प्रिबनो ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको कह देते हैं प्रिबनो बॉक्स. ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रोमोटर रीजन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्टिविटी ऑफ
आरएनए पॉलीमरेज इज रेगुलेटेड बाय एक्सेसरी प्रोटीन्स. कोई प्रोटीन्स है वो रेगुलेट करते, ठीक है, विच रेगुलेट्स द एबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू रेकॉग्नाइज स्टार्ट साइट. प्रमोटर को रेकॉग्नाइज करने के लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, ये एक्सेसरी प्रोटीन्स, ठीक है, इनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन बी कह सकते हैं. एक्सेसरी या रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है कैन बी प्रोमोटर्स और दे कैन बी इनहिबिटर्स. किसी टाइम पे ये आरएनए पॉलीमरेज को बताएंगे कि यहां से बाइंड हो, किसी टाइम में चुप करके बैठ जाएंगे कि हमने नहीं बताया, ठीक है. सो प्रोमोटर्स को हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेटर्स, और इनहिबिटर्स को हम कह सकते हैं रिप्रेसर्स. बट ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, ये खाली काम नहीं करते, ये सीधा ही आरएनए पॉलीमरेज से नहीं एक्ट करते हैं. बट ये प्रोटीन्स जो है ऑपरेटर्स डीएनए के पास, अभी मैं बताऊंगी, सारा समझाऊंगी कि ये ऑपरेटर्स से जो है वो भी काम करते हैं. सो हम कहते हैं द, ध्यान से मेरी बात सुने, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर, एक्सेस मिलना, उसको प्रोमोटर से बाइंड करने के लिए जगह मिलनी, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर टू आरएनए पॉल जो है इज ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स विथ स्पेसिफिक sequences of DNA called as promoter, called as operator regions. ठीक है, called as operators या operator regions, ठीक है. और ये कहां पे present होते हैं, जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू प्रोमोटर रीजन. ठीक है, तो ये किसके, प्रमोटर के साथ ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक, तो ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स एक्ट एज स्विच ऑफ द जीन.
ये जीन को स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू नो एक्सेसरी प्रोटीन्स. इज इट राइट? लिखो पहले ये, फिर हम आगे काम करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रेगुलेशन में ही, सब टॉपिक आ जाता है ऑपरॉन कंसेप्ट. इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनो in E. coli. What is operon? Operon kya cheez hai? Operon is a set of genes which function together for regulating a specific metabolic process. ये आपको, ये तो definitions है, ये याद ही करनी पड़ेगी. होता क्या है ऑपरॉन में? ऑपरॉन हैज, दिस इज, ये जो है यहां से शुरू करते हैं, दिस इज रेगुलेटरी जीन. उसके बाद आ जाती है दिस इज पी जीन, प्रमोटर जीन. प्रमोटर के साथ आ जाती है ऑपरेटर जीन. देन लेट अस से प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, 2 to 3 स्ट्रक्चरल जीन्स या ज्यादा भी हो सकती है. दीज आर सिस्ट्रॉन्स, मेनी सिस्ट्रॉन्स जो mRNA बनाई और जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, सो द ऑपरॉन कंसिस्ट्स ऑफ, फर्स्ट है रेगुलेटर जो क्या बनाता है. हियर आई रिप्रेजेंट्स, आई जो है रिप्रेजेंट्स इनहिबिटर. क्योंकि ये रेगुलेटर क्या बनाता है, इट transcribes RNA that forms repressor protein. और ये याद रखना है, regulator या IG is a constitutive gene. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का क्या मतलब है, रिमेन फंक्शनल ऑल द टाइम. हमेशा फंक्शनल रहेगी और रिप्रेसर प्रोटीन बनाती रहेगी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकेंड इज
प्रोमोटर विद विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. फिर आ जाता है बेटा ऑपरेटर. विच कंबाइन्स विद रिप्रेसर रिप्रेसर प्रोटीन एंड does not give excess of promoter to RNA polymerase. General ये काम करता है, but कब ये excess देता है वो हम आपको जब एक lac operon बताएंगे तो उसमें बताएंगे. और उसके बाद है स्ट्रक्चरल जीन्स. विच ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आरएनए दैट फॉर्म प्रोटीन्स एंड in prokaryotes all the structural genes controlling multi-step metabolic process. Are present together and forms common mRNA. इसीलिए हम इस mRNA को क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक. एक से ज्यादा जीन्स की इंफॉर्मेशन है इसके पास. दिस इज पॉली सिस्ट्रोनिक mRNA. इज इट राइट? लेट अस से यस. जो है एक्स वाई ए जेड एम, ये स्ट्रक्चरल जीन्स है जो एक कॉमन mRNA बनाएंगी जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA. इज इट ओके? दोबारा से ये भी PI को छोड़ दो, ये मैं बाद में बताऊंगी. दिस आई जीन इट फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन थ्रू mRNA. पहले ये RNA बनाता है फिर वो रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और ऑपरेटर इसको छुपा देता है ताकि RNA पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड ना करे. ठीक है? ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, जब RNA पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड करेगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब करके mRNA बनाएंगी और mRNA फिर प्रोटीन्स बनाएंगे. सो दिस इज द ऑपरॉन कंसेप्ट. लिखो जरा. PI is the promoter of regulatory gene I. Next आ जाइए बेटा Jacob and Monod. Next आ जाइए. Next topic है Jacob and Monod proposed lac operon, LAC. सभी स्मॉल लेटर्स में लैक ऑपरॉन इन इकोलाई. रेगुलेट्स इन
in E. coli, Escherichia coli, regulates metabolism of lactose into glucose and galactose, which is used by E. coli in respiration. अब कैसे है, ठीक है? फर्स्ट केस है कि इन एब्सेंस ऑफ, पहले तो हम इसके ये हम बाद में करते हैं, पहले तो मैं इसका लैक ऑफ रोल बता देना आपको. जैसे हमने पहले कहा था, दिस इज पी आई, दिस इज आई. इसके बाद देन नेक्स्ट इज प्रमोटर, दिस इज ऑपरेटर एंड जेड वाई ई. ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स. दे ट्रांसक्राइब, जनरल मैं बता रही हूं, टू फॉर्म mRNA एंड दिस mRNA देन ट्रांसलेट टू फॉर्म थ्री प्रोटीन, ये थ्री एंजाइम्स. दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेस, या फिर जिसको हम कह देते हैं लैक्टेस, जो लैक्टोज को तोड़ता है इनटू ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस. दूसरा जो है दिस प्रोटीन, दिस इज परमीएस, इट अलाउज एंट्री ऑफ lactose into E. coli cells. और ये जो है, ये है trans acetylase. It breaks the harmful substances which enters along with lactose. Lactose के साथ कुछ और substances भी अंदर चले जाते हैं जिनको ये trans acetylase तोड़ देता है, ठीक है? ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. As entry of lactose in E. coli is must for, ये भी आपको पता चलेगा, अभी आप लिख लेना है, for activation of lacoperon. Therefore, site activity of lacoperon is always present.
क्योंकि बेटा देखो अभी पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब। ये एक बॉक्स में लिख लो ठीक है, जल्दी से पहले ये लिखो फिर हम करते हैं कि भी ये कैसे काम करता है। तो यहां पे लिखो, इसमें लिख लो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन मीडियम, जहां पे ई कोलाई ग्रो कर रहा है वहां पे लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टेज बना के क्या करेंगे, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है ही नहीं है। तो ये जो आई जीन है ये आरएनए बनाएगी और आरएनए ने ये दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इट बाइंड्स विद ऑपरेटर, ये है रिप्रेसर प्रोटीन एंड दिस इज यू नो दिस, ये तो ऑपरेटर आपको पता ही है, टू फॉर्म रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। नो एक्सेस ऑफ प्रोमोटर टू आरएनए पॉलीमरेज, इससे क्या हो रहा है स्विच ऑफ ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। दूसरी कंडीशन आ जाती है बेटा लैक्टोज एडेड इन मीडियम, जो ये लैक्टोज है एक्ट एज इंड्यूसर, अब यहां पे क्या आ गया है लैक्टोज आ गया है, इसने तो वही बनाया पहले आरएनए और फिर दिस इज रेगुलेटरी प्रोटीन, यहां पे आ गया दिस इज इंड्यूसर लैक्टोज इंड्यूसर। अब ये जो इंड्यूसर है इट बाइंड्स विद रिप्रेसर टू फॉर्म इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स।
this inducer repressor complex cannot bind with operator. RNA polymerase binds with promoter, moves further and forms, वही जैसे हमने पहले बताया था, this is polycystronic mRNA, और फिर ये तीन proteins बनाती है. That is beta, आपने पूरा लिखना है, galactosidase, permease, and तीसरा क्या आ जाता है, that is transacetylase. अब बात ये आ जाती है बेटा कि जब ये लैक्टोज सेल के अंदर जाएगा तभी तो ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, इसलिए सेल में हमेशा ई कोलाई में हमेशा थोड़ा सा परमीएस ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए जो लैक्टोज को अंदर आने दे, थोड़े से लैक्टोज को अंदर आने दे. एक बार ये ऑपरॉन एक्टिव हो गया तो बहुत सारा परमीएस बनेगा और बहुत सारा लैक्टोज अंदर चला जाएगा, इसलिए मैंने वो लिखवाया था कि दिस ऑपरॉन इज स्लाइटली एक्टिव ऑल द टाइम इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज कॉजेस क्विक फुली एक्टिवेशन ऑफ दिस ऑपरॉन ड्यू टू विच मेनी मोर एंजाइम्स आर फॉर्म्ड and lactose metabolism gets activated. Is it okay? ठीक है, तो lactose metabolism fast हो जाएगा जब lactose अंदर जाएगा, नहीं तो इसकी absence में भी ये operon थोड़ा सा active होता है, but कैसे active होता है, क्यों होता है, lactose तो है नहीं फिर भी, तो that is beyond our scope, वो हमारे scope की अभी बात नहीं है, वो बहुत बात की, हमें सिर्फ एक line याद रखनी है कि even in the absence of lactose this operon is slightly active all the time so that when we add lactose in the medium, small amount of lactose can enter inside the cell due to presence of permease. ठीक है, मयंक अब आप बताओ कि आपको समझ आ गया बेटा? Yes, मैम आ गया. ठीक है, चलो लिख लो. Lac operon is called as, next point लिख लेना, lac operon is called as inducible operon. Inducible operon. Because it gets activated. It gets. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am is called के बाद repeat कर दो. Inducible. INDUCIBLE. Inducible operon. Because it gets activated in the presence of substrate, in the presence of substrate which acts as inducer. Next point aa jaiye. It is also called as negative operon. It is also called as negative operon. Because the regulatory protein formed by I gene acts as a repressor and inhibits structural genes. Beta, har jagah har operon mein repressor protein inhibits nahi karta hai. कई जगह ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो प्रमोट करता है, तो ये एक्टिवेटर भी हो सकता है, रिप्रेसर भी हो सकता है,
यहां पे ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ऑपरॉन कहते हैं, बिकॉज इट इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, द सबस्ट्रेट और इंड्यूसर कैन बी लैक्टोज और एलोलैक्टोज. लैक्टोज की ही एक फॉर्म होती है. द सबस्ट्रेट और इंड्यूसर कैन बी लैक्टोज और एलो, ए डबल एल ओ, एलोलैक्टोज. नेक्स्ट पॉइंट है, मैम प्लीज रिपीट, द सबस्ट्रेट और इंड्यूसर कैन बी लैक्टोज, एल ए सी टी ओ एस सी, लैक्टोज और एलो लैक्टोज, ए डबल एल ओ. लैक्टोज की ही एक फॉर्म है. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मीडियम हैज बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज, इफ द मीडियम हैज बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज. तो मुझे ये बताइए, हरगुन आप बताओ बेटा, कि क्या ये लैकोपेरोन एक्टिव होगा कि नहीं होगा. हमने लैक्टोज भी डाल दिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने लैक्टोज भी डाल दिया और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है मीडियम में, तो क्या ये लैकोपेरोन एक्टिव होगा या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा. तो ये नहीं होगा बेटा. yes, है ना, गुड. तो लिख लो, इफ वी एड ग्लूकोज अलोंग विद लैक्टोज इन द मीडियम, देन लैकोपेरोन विल नॉट गेट एक्टिवेटेड. वो और प्रोसेस है, क्यों नहीं एक्टिव होगा, क्या है क्या नहीं, दैट इज ए लेंथी प्रोसेस, हमने वो नहीं करना है, बट रीजन हमें पता होना चाहिए. Lacoperone will not get activated because E. coli will use glucose directly in respiration. उसने glucose जमा थोड़ी करना है, store थोड़ी करना है उसने. तो जब तक medium में glucose है, तब तक lacoperone active नहीं होगा, चाहे हम जितना मर्जी उसमें लैक्टोज डाल दें. इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर लैकोपेरोन, दिस इज ऑल अबाउट योर रेगुलेशन ऑफ यू नो जीन एक्सप्रेशन. और ये जो समझाने वाला था वो सब खत्म हो गया. इसमें अब आपका आ जाता है एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, और एचजीपी आप खुद पढ़ोगे. एक बार कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज मैं आपको असाइनमेंट भेजती हूँ, ताकि सारा पढ़ के आप असाइनमेंट कर लें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम टेस्ट एंड असाइनमेंट दोनों डिस्कस करेंगे. इज इट ओके?